नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ यासूब। आपका बहुत स्वागत है। पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान हो रहा है। आपको बता दें, बिहार के 35 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव हो रहे हैं। सिवान की अगर बात कर लें तो रघुनाथपुर के साथ सिसवन प्रखंड में आज वोट डाले जा रहे हैं। आज इन जगहों पर गाँव की सरकार के लिए वोटिंग की जा रही है। यहाँ का हम आपको दिखाना चाहेंगे, हाल देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है और लोकतंत्र का त्यौहार है और लोग त्यौहार को मनाने के लिए घरों से निकले हैं और उत्साह के साथ अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, भीगपुर पंचायत में हम सिसवन प्रखंड के, बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दों के साथ वोट दिया है लोगों ने। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलदार हुसैन हुआ। क्या कहेंगे सर, किन किन मुद्दों के साथ आज वोटिंग के लिए पहुँचे हैं आप? बहुत से मुद्दे हैं हमारे, यानी 6 नंबर में जी, और आपके ज़िला परिषद का हुआ या मुखिया का हुआ, इसमें देखिए से काम बोलता है, जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। किसका काम बोल गया? सबने अपनी अपनी घोषणा की है, सबका हम लोग ने सुना है और उसके बाद हम लोग ने अपना मन करके उस पर वोट दे दिया। बस इतना बता दिया जाए सर कि गाँव की सरकार बनना है, पुराने वाले सरकार से खुश हैं या बदलाव चाह रहे हैं? नहीं देखिए, ये जो आपका सवाल है ये बहुत ही कठिन सवाल है, ये इसमें बताया नहीं जा सकता है। नहीं, बस इतना जान सकते हैं, बदलाव देख रहे हैं या पुरानी सरकार ठीक है? देखिए, हमने एक जुमला आपको दे दिया कि उन्होंने घोषणा की थी जी, सबका घोषणा सुना गया है, पहले वाले का भी काम देखा गया है, आगे वाले का भी हम लोग ने घोषणा सुना है, तो दो सबका काम देखा गया है और काम के बाद और जो लोगों का घोषणा सुना गया, जो लोग नहीं बने हैं उसके बाद से हम अपना फैसला करके वोट दिया है। ये पहले और आखिर वोट देके निकले, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये इसका इंतजार करता है आदमी 5 साल जी। तो दोस्तों, सही मायने में यही समय है कि नेताओं को जो है जवाब देने का समय। दृष्टिकोण से बिल्कुल प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। और फिलहाल की बात करें तो सिसवन प्रखंड के BDO साहब लगातार वो घूम रहे हैं और हर बूथ का जायजा ले रहे हैं, तो हर छोटी बड़ी चीजों पर नजर रखी गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ बिल्कुल पुलिस बल तैनात है और बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराया जा रहा है। BDO साहब लगातार वो घूम घूम कर बूथों का जायजा ले रहे हैं।